वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरोके के प्रोडक्शन। तो गाइस कैसे हो आप, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे श्रीलंका टूर ऑफ इंडिया 2023 फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में। दोस्तों ये मैच होने वाला है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 10 जनवरी को इंडिया टाइम के अनुसार 1:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी बरसप्रा स्टेडियम गुवाहाटी असम में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म, चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। एक टीम इंडिया की बात करें तो जहां 5 मैच 3 मैच लॉस है, 2 मैच विन करके आ रही, वहीं दूसरी टीम श्रीलंका की बात करें तो 5 मैच 3 मैच विन है और 2 मैच लॉस करके आ रही है। तो गाइस ये रहे दोनों टीमों का टीम फॉर्म। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैचेस में। तो पहली टीम इंडिया की बात करें तो जहां 8 मैच जीत के आ रही है तो श्रीलंका 2 मैच जीत के आ रही है। तो ये रहे दोनों टीमों का हेड टू हेड। गाइस यहां पर देख सकते हैं कि हेड टू हेड में इंडिया आगे चल रही है, वहीं अगर टीम फॉर्म में देखें तो श्रीलंका आगे चल रही है। बढ़ते हैं फिर ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में। तो ओवरऑल चेक करते हैं तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज देखें तो इंडिया का जहां 60% है तो वहीं श्रीलंका का भी 60% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो इंडिया का 244 है, वहीं श्रीलंका का 261 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो इंडिया का 409 है, वहीं श्रीलंका का 314 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो इंडिया का 105 है तो वहीं श्रीलंका का 160 है। तो ये नहीं दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं फ्रेंड, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी तो पार्टली सनी रहेगी, 26.1 डिग्री सेल्सियस रहेगी। वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 47% रहेगी, वहीं 1% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। पढ़ते हैं फिर चलते हैं पिच की ओर। इस पिच पे आज का ओडीआई फर्स्ट ओडीआई मैच कैसा होने वाला है तो इस पिच का देखें तो फर्स्ट बैटिंग एवरेज स्कोरिंग 322 है, तो वहीं सेकंड बैटिंग 326 बनने की संभावना हो सकती है इस पिच पे। अगर इस पिच पे देखें तो अभी तक 1 मैच खेली गई है जो फर्स्ट मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई थी। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो अगर इस पिच पे जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि यह पिच बॉलिंग करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट करेगी, वहीं बैटिंग करने वाली टीम को कम सपोर्ट करेगी। क्योंकि इस पिच पे जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो रन काफ़ी स्लोली वे में रन लगेंगे, वहीं अगर अपोजिट टीम की बात करें कि जो भी टीम अगर चेस कर रही है तो वो इजली वे में इस पिच पे मैच चेस कर सकते हैं और जीत सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी पिच है, आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम इंडिया की बात करें तो नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है, ज़बरदस्त टीम है, बट इंडिया को यहाँ पर अपना बॉलिंग सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि पिछली अगर सीरीज की बात करें तो श्रीलंका के साथ जो खेल के आ रही है T20, जिसमें फर्स्ट मैच जीत के आ रही है, वहीं सेकेंड मैच में देखा जाए तो काफ़ी बुरी तरह पीट के आ रही थी, वहीं फाइनली 30-20 वो अपना जीत के आ रही है। तो अच्छी टीम है अच्छी टीम। अगर श्रीलंका की बात करें तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है, वहीं बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर श्रीलंका की पिछले मैच की रिकॉर्ड देखें तो श्रीलंका एक मैच हार के आ रही है, वहीं सेकेंड मैच जीत के आ रही है, वहीं थर्ड मैच अपना हार के आ रही है। तो गाइस दोनों के बीच में मैच काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगी, तो आप लोग जोर देखेगा। अब आगे बढ़ते हैं स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फिर दोनों टीमों की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम इंडिया के की प्लेयर की बात करें तो हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, ईशान किशन, वहीं दूसरी टीम श्रीलंका के की प्लेयर की बात करें तो धर्षण सनाका, कुशल मेंडिस, धनंजय दे सिल्वा, चरित श्रीलंका, ये रहे दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। अब आगे पढ़ते हैं फ्रेंड, चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए इंडिया हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।